Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Amar Channel. आप सभी को बस ये एक बात बता दूँ कि मैं अभी एम पी आया था अपने दोस्त को मिलने के लिए और फिर आप पूरी तरह से काम करता हूँ तो मिलने आया था, वो ब्रेक में गया हुआ तो अभी है वो अपने रूम में गया हुआ तो मैंने सोचा थोड़ा एम पी और मिल जाओ फिलहाल आप लोगों ने एम पी दिखा दी बहुत सारे टाइम के जितने वीडियो थे यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर आज उसका नहीं है क्या चीज का पूजा हो रहा है आज क्या है मेरे में हाँ सात हो गया सात है आप लोग मान लो अब मैं फिर से जा रहा हूँ अपनी पुराने वाली दुकान पर दोस्तों से मिल गया जैसे बैठे बैठे बोर हो गया देखते मिल गया गया तो सोचा ब्लॉग भी बना लो ऐसे कंटिन्यू नहीं मिल रहा जो बैठे में करके दिखा इसको देखो ना मेरे ख्याल से आज इतना काम नहीं है यहाँ पे क्योंकि आज मार्केट थोड़ा ठंडा है और हमारा भाई भी लोग अंदर नहीं है देखिए पैसे उठा के लिए ओए नाजिम भाई का ये बिजली का चलो गाइस आप लोग बने रहो मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से जिनसे मिलने आया था वो तो है नहीं अभी फिलहाल बाकी दूसरे भाई लोग है उनसे वहाँ से बात कर लेता और उस दुकान में बिठा रहा था आपस पैसे वैसे हो गए बंदे को काम नहीं है उसके जाके बिठा रहा ऐसा फिर करेंगे फिलहाल आप लोग बने रहो मैं यहाँ से आप थोड़ी देर से निकलता हूँ वाईफाई ले लो मैडम वाईफाई मैडम बने रहो मिलता हूँ थोड़ी देर में वो अभी भी रूम में अच्छा पाँच बजे के बीच हम जे हाँ तो अभी वो रूम में यार उससे निकल जाता हूँ क्योंकि उसका भी शादी है ना फैमिली मिलते हैं उससे बात करते हैं देखते तब तक के लिए फिलहाल बने रहो आप लोग मिलेंगे थोड़ी देर में मैं तो अभी तो अपने घर अपने दोस्तों वाले तो पता आप लोगों को कार्तिक को दिखाओ कार्तिक की दुकान पर दादा अरे विशु भाई आ चुका सही है कर दो क्या वो देखते हैं उसमें गजल के लिए दिखाते
इसके घर का गली है इस साइड में, और इसी साइड हम चले गए इसीलिए। वाले घर पर हम देख रहे हैं पहले नहीं दिखा सकता ये देख लो इसको, फ्री फायर लवर देख लो इधर, ये तो थोड़ा देख नहीं, ये देखो इसको फ्री फायर लवर। हेलो, इसी का है शादी, इसने इनवाइट किया था, ये अपना छोटा भाई है। जानो ये एक लड़का है बेचारा, दीदी ने देखो अपने बेटे को छोड़ के चला गया नीचे, और रो रहा है, और रहा है मम्मी मेरे को छोड़ के गई। हाँ तो वैसे आने लगी है उनका, देखो वहाँ से, और बारिश भी हो रही है। बोलो क्या हुआ, मैं लेके जा रहा हूँ ना तेरे को, मम्मी छोड़ दी गई तो रोना नहीं है भाई। मैं तंग कर रहा हूँ या खुद तंग कर रही थी, मम्मी मेरे को छोड़ के गई बोल के रो रहा था नीचे, मैंने लेके आया कपड़े उठा गई थी मैं। ये देखो बेचारा अभी भी रो रहा है, मत रो भाई मत रो। एक मामला भी तो है क्या, एक मामला ऐसे देखा है, देख लिया ना, एक तो खुद का गलती और मेरे को बोल दिया। हाँ तो भाई मैडम खुला है तो भाई अभी फिलहाल आप लोग बने रहो, मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों के साथ, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं अपने दोस्त के वहां से निकला था, पर मैं आपको दोस्त को दिखा भी दिया, और प्लस मैं ये बोलना चाह रहा था, मैंने शायद रास्ते में आते समय मैंने बोला नहीं आपको, और मैडम वो भी जो ना के निकली, मेरे को जब भी ब्लॉग बनाता हूँ कुछ ना कुछ तो होता है हिचकी वगैरह टाइप। मैडम अभी ना के निकली है, और मैं ये बोलना चाह रहा था जो मेरा दोस्त है जो मैंने दिखाया आपको, वो उसका शादी अप्रैल को है, मार्च को नहीं है, वो पहले फरवरी को बोल रहा था, फिर मार्च, फिर अप्रैल बोल रहा था, तो इसलिए अभी उसका शादी पोस्टमैन हो गया है हमारी तरफ। और क्या बोलते उसको, पहले उसका कांग्रेस वगैरह करके आ चुका हूँ, वो आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो ज़्यादा गेम में ध्यान दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा वो बिजी है तो ज़्यादा बनाऊँगा नहीं। तो फाइनली वो आते समय अभी रास्ते में दीदी का लड़का मिला था, वो आप देख लेना आगे वो था, तो वो कह रहा था कि मेरी माँ मेरे को अकेले छोड़ के चली गई बोल के रोने लग गया था वो नीचे ना। नहीं मैं नहाने आई थी, अंदर थी मैं, तो पानी खत्म, मोटर बंद हो गया, तो फिर दीदी नीचे ही थी, तो दीदी को बोला यार मोटर चालू कर देना, मैं अंदर बाथरूम में फंस गई थी बिना पानी के, तो इसलिए तो दीदी शायद उसको नीचे छोड़ के आ गई थी, नीचे रूम है ना दीदी का। तो एक तो खुशी ये है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दीदी ने इतना मेहनत किया अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए, तो भाई उनकी मेहनत रंग लाई, और जितना हो सका मदद मैंने और एक दीदी हमारी पेरेंट उन्होंने भी मदद की है, तो जितना हो सका हम लोगों से किया, और हमारी मदद तो उतना कुछ भी नहीं है जितना कि एक औरत अपने पति को बचाने के लिए कर सकती है। मैं हैट्स ऑफ है दीदी के लिए, कितना भी कर लो भाई वो औरत झुकी नहीं भाई, भागी भागी भागी, हमारा काम हम भूखा मर जाए कोई मतलब नहीं, मेरे पति को छुड़ाना था उनको, बहुत ही मतलब खुशी है। आज वो शाम या रात तक आ जाएंगे जेल से, दीदी खुद उनको लेने जा रही है, मे बी आज स्पेशल खाना भी बन रहा है उनके लिए, भाई जेल में उतना अच्छा, तू क्या कंगी खा रहा है, खा नहीं रहा जेल में, मत कर गंदा लगता है लोगों को, खा नहीं रहा मुंह पे ऐसा रख, मत रख गंदा लगता है लोगों को, गंदा लगता है ये, तो खुशी अलग ही है उनकी ना, तो वो आज आप चिकन बनाएगी क्योंकि भैया बेचारे जेल में, आपको पता ही होगा जेल में खाना कैसा मिलता होगा क्या होगा, बेचारे बहुत हालत ख़राब थी, अब उनको एकदम वो आने के बाद काम तो नहीं करेंगे ना, दे नीड रेस्ट, उनको रेस्ट चाहिए उनकी बॉडी पे,
क्योंकि जेल में कैसे जिंदगी होती है, जो जेल में काटते हैं उनको ही पता। मैं तो कभी गई नहीं ना, ये गया होगा अब नहीं पता, मगर मुझे थोड़ा जेल के बारे में जानकारी है क्योंकि मेरा फ्रेंड जा चुका है, तो इसीलिए उसकी हालत देखी थी मैंने, बहुत खतरनाक। जब मैं उसको जेल में खाना पहुंचाने जाती थी तब मैंने उसकी हालत देखी है, बहुत खराब। वही अब कुछ भी हो, अब खुशी है हमें, आज दीदी का पति आने वाला है, दीदी का मेहनत रंग लाया अपने पति को बाहर चढ़ाने का, मुझे बहुत खुशी है। बस यही बोलना था, अब कुछ हो ना जाए बस इतना टेंशन है, क्योंकि क्या बोलते हैं, मैंने भी साइन किया हुआ है और एक मेरे थ्रू मेरा एक फ्रेंड ने भी साइन किया हुआ है। कल वो डेट पे तारीख पे करेक्ट करेक्ट नहीं किया तो हमारी वाट लगेगी, हमें उठा ले जाएंगे। वो डर है मुझे, दूसरा कुछ नहीं, मगर दीदी प्रॉमिस किया है कि वो खुद डेट पे उनको टाइम टू टाइम लेके जाएगी, बस भरोसा है, देखते हैं। मैंने भी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सब दे रखा है, साइन कर रखा है मैंने एविडेंस के थ्रू कि वो डेट पे टाइम टू टाइम आएंगे बोल के ना, तो बस टाइम पे हो जाए बस, अब नहीं है और कुछ नहीं। हाँ मुझे जेल कोर्ट तक नहीं पहुंचना भाई, हाँ यही है। ओके देन बाय गाइस, मैंने सोचा बारिश आ रही थी, दिन कपड़ा उठा रख दिया था मगर बारिश रुक गई। हवा इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली को यार, समझ नहीं आ रहा। सो गाइस यही है आज का हमारा व्लॉग, और बहुत लोग बार बार मुझे बोल रहे हैं दीदी भूत के बारे में बताओ, भूत के बारे में बताओ। अब मैं बताऊंगी स्टोरी, ठीक है, अब मैं व्लॉग बनाऊंगी, और आज भी ओनर से, घर के ओनर से बात हुई, उन्होंने भी क्या बोला है वो बताऊंगी मैं, ठीक है। वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में देखना, अरे जीरो 46 ये 96 वाले में देखना। ओके बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। कोनी मत गाड़ो। तो गाइस यही है मेरा आज का ब्लॉग, हमारा ब्लॉग सॉरी यही है, आई होप आप लोग को पसंद आए। तो गाइस प्लीज कंगई से लाइक करो, शेयर करो, तो कंगई नीचे रखो ना, रुको ना, तो प्लीज हमारे वीडियो कंगई नीचे रखो, पहले प्लीज हमारे वीडियो कंगई नीचे रखो, लो आप बोलो, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते क्या लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर ये कैसा कर होता है, लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो ऐसे करता है, तो कंगई के साथ यूं के ऑर्डर दे रहा है इनको, नीचे रखिए अब बोल। प्लीज जितना हो सके उतना हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना, मस्ती मजाक दूर करके बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, और बस यही है, आप लोगों से दुआ और मांग रहा हूं मैं, आप लोगों से जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, और बाकी तो कुछ है, बाकी ऊपर वाले, बाकी ऊपर वाले का पता नहीं, इसको भाषण देना है बेवजह, बिना मतलब का भाषण देता है, ये मेरा सर में चुभ गया, पूरा सर, बाय 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 बाय।